हाँ जी, तो ट्रिग्नोमेट्री के टोटल तीन रूल देखे थे हमने, साइन कॉस टैन। ठीक है, अच्छा ये रूल्स जनरली जो वैल्यू देंगे उस वैल्यू को वो एन की टर्म्स में आ रही है, तीनों की तीनों अंदर चेक करो वो एन की टर्म्स में आ रही है। और एन की टर्म्स में जो चीज आती है, जैसे एपी में ए प्लस एन माइनस वन डी, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना, तो एन टर्म्स का ये फॉर्मूला होता है जनरल। तो यहां पर भी जो थीटा आया है हमारे पास वो क्या आया है, वो जनरल थीटा है, मतलब वो सारे के सारे थीटा को रिप्रेजेंट करेगा फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन जो कि उस पर्टिकुलर इक्वेशन का, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हुआ, राइट? अच्छा, अब जैसे एग्जाम्पल, मान लो ये वो बोल रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर थीटा दैट बिलोंग्स टू माइनस पाई से लेके 7 पाई। ठीक है, तो मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टू, दैट इज इक्वल टू जीरो। साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा माइनस टू प्लस वन, साइन थीटा माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो। तो साइन थीटा की वैल्यू या तो माइनस वन या तो टू। अब ये साइन थीटा की वैल्यू होती माइनस वन टू वन के बीच में, तो ये टू के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता, नो सोल्यूशन इसका, तो इक्वल टू माइनस वन, राइट? अब माइनस वन का वो था -90 डिग्री पे, और उसके बाद वो 360 डिग्री के बाद रिपीट करता है, तो या तो इसका जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन इसका लिखवाया हुआ मैंने माइनस पाई बाय टू प्लस टू एन पाई, राइट? तो अब या तो इसकी इनइक्वालिटी बना लो कि ये जो चीज है ये इसके बीच बीच में होनी चाहिए, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 7 पाई, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई, तो प्लस पाई बाय टू करो, तो प्लस पाई बाय टू करके इधर क्या बन गया, माइनस पाई बाय टू लेस देन इक्वल टू 2n पाई लेस देन इक्वल टू 7 पाई प्लस पाई बाय टू, तो 15 पाई बाय टू, पाई 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 पॉजिटिव नंबर है कटा, टू से डिवाइड कर दिया, तो -1/4 लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू 15/4। अब एन एक नेचुरल नंबर, इंटीजर होता, सॉरी नेचुरल नहीं इंटीजर होता, तो -1/4 से लेके 15/4 के बीच में कौन से नंबर है जो सेटिस्फाई करेंगे, एक आ गया 0, 1, 2, 3, ये कितना जा रहा है 15/4, 4, 3 पॉइंट समथिंग, तो कहां तक आएगा, 3 पॉइंट समथिंग तक ही आएगा, तो 3 तक, तो ये 4 वैल्यूज आएंगे, तो यानी कि 4 सोल्यूशन है इसके, राइट? क्लियर हुआ? अच्छा, अब अगर मेरे को डायरेक्टली देखना है, मतलब वहां तक पहुंचना नहीं है, इंडिविजुअल सोल्यूशन तक पहुंचना नहीं है, यहाँ पे तो इनकी वैल्यू पता चल गई ना, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो सोल्यूशन ही आ जाएगा हमारे पास, लेकिन सिर्फ मेरे को नंबर ऑफ सोल्यूशन काउंट करने और एग्जैक्ट सोल्यूशन काउंट नहीं करने, तो मैं ग्राफ से भी कर सकता हूँ, ठीक है ना? क्विकली, माइनस पाई, ये माइनस पाई से 0, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। अच्छा, अब देखो 7 पाई तक जाना है ना, तो मैंने 2 पाई तक बिहेवियर नोट किया, ध्यान से देखना, फिर उसी को मैं रेप्लीकेट करूंगा, तो यहां पे एक सोल्यूशन आया, दो, तो 0 से 2 पाई के बीच में कितना सोल्यूशन आ रहा है, एक, तो अगला जो 2 पाई से लेके 4 पाई होगा उसके बीच में भी एक आएगा, 6 पाई तक उसमें भी एक आएगा। अच्छा, 6 पाई से 8, अब देखो ये जो सोल्यूशन आ रहा है 2 पाई के अंदर, फर्स्ट पाई में आ रहा है, सेकंड पाई में आ रहा है, सेकंड पाई में, तो फर्स्ट पाई में नहीं आएगा, तो 6 पाई से जब मैं 7 पाई जाऊंगा, दिस इज द फर्स्ट पाई, आफ्टर द 6 पाई दिस इज द फर्स्ट पाई, तो इसमें सोल्यूशन कोई नहीं आएगा, तो इसलिए 1, 2, 3, 4, 4 सोल्यूशन आ, तो ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, जनरलाइज भी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लियर हुआ, राइट? हाँ जी यस सर। पवन, सर आपने तो कहा था ना, अगर ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे सॉल्यूशन आएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पे दो ग्राफ बनेंगे, एक y इक्वल टू साइन एक्स का, देख पवन अगर मान ले मेरे को चाहिए कि साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, या इस क्वेश्चन के अंदर साइन एक्स इज इक्वल टू -1, तो मैं क्या करूंगा, इसका अलग अलग ग्राफ बनाऊंगा, वाई इक्वल टू साइन एक्स का लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का अलग, वाई इक्वल टू 1/2 का, और इनका देखूंगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, तो वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ तो ये बन गया, एंड वाई इक्वल टू 1/2 का इस केस में,
वो बनेगा ये। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे ये होंगे मेरे सॉल्यूशंस, राइट। इस केस में y इक्वल टू माइनस वन मतलब ये वाले लाइन, तो इसलिए मैंने देखा कि ये वाले पॉइंट्स कहां पे आ गए। बात समझा? ओके सर, ठीक है ना, करवा इंटरसेक्ट ही रहे, ये नोट करो। यस सर। अब देखो नेक्स्ट, अब फॉर्मूलास को इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर टाइप्स हैं जो देखनी है, जिसके थ्रू अप्रोच किया जा सकता है ट्रिगो इक्वेशन के क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो जैसे पहला फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन के अंदर यू हैव टू मेक श्योर कि कोई भी फैक्टर को तुम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कट नहीं कर रहे हो, जो चीज जीरो की तरफ जा सकती है या जो जीरो हो सकता है, जीरो फैक्टर को कभी कट नहीं करते, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, राइट, अगर मैंने एक एक्स कट कर दिया तो मेरा क्या आ जाएगा, टू एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू वन बाई टू। बट ओरिजिनल क्वेश्चन था 2x² इक्वल टू x, तो ये तो क्वाड्रेटिक है, तो इसके दो आंसर आने चाहिए, आंसर एक आ रहा है, तो यानी कि एक गड़बड़ हो गया। वो कहां गड़बड़ हुआ, वो हमने काट दिया। इसको एक्चुअल में कभी भी वेरिएबल फैक्टर को कभी कट नहीं करना, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, तो 2x² - x = 0, x कॉमन लिया 2x - 1 = 0, तो आइदर x = 0 और 2x - 1 = 0 मतलब x = 1/2। तो ये वाला जो फैक्टर था ये हमने कट कर दिया, राइट। तो कभी भी वेरिएबल फैक्टर को कट नहीं करना है जो जीरो जा सकता है, ये याद रखो। उससे क्या होगा, सॉल्यूशन कम हो जाएंगे हमारे, ये आएगा ही नहीं, तो कम हो गए, सिर्फ आधा आए सॉल्यूशन, ठीक है ना। अच्छा अब जैसे क्वेश्चन देखो जरा, एक जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसका, ठीक है। पहले तो जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन -π/2 से लेके 7π/2, इसके बीच में कितने सॉल्यूशंस हैं इसके, ये बताना अपने को, ठीक है, पूरी इक्वेशन के। तो हमने देखो क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 - cos² x, और 1 - cos² को मैं लिख सकता हूँ 1 - cos (1+cos) a² - b² तो ये क्या बन जाएगा, 2 sin x - cos x into 1 + cos x इक्वल टू 1 - cos x (1+cos x). अब लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो ये माइनस इक्वल टू जीरो, तो 1 + cos x and 1 + cos x कॉमन, तो 2 sin x - cos x, ठीक है, 1 + cos x कॉमन, तो आया -1 + cos x, देख लो क्या सोल्यूशन जा रहे हैं इसके बीच में, जनरल सोल्यूशन क्या है, दैट इज आंसर। बात कर जनरल सोल्यूशन में आइदर दिस और दिस, यूनियन आएगा, बिल्कुल दो रहेंगे, दोनों का निकाल, बिल्कुल दोनों का है, बिल्कुल दोनों का है, ठीक है ना। चलो कर ही लेते हैं, -1 कब होता है, ये पाई पे, पाई पे, तो पाई प्लस 2n π, ठीक है। ये हाफ कब होता है, sin π/6 पे, तो x क्या आ जाएगा, n π + -1 की पावर n π/6, तो x इज आइदर दिस और दिस, एक तो ये आ गया, राइट। दूसरा इसके जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है इसके बीच में, तो भाई मैंने ये देखा 7π/2 होता कितना है, 3.5π, ठीक है, तो ये आ गया 3π, π 2π 3π, ये आ गया, दैट्स इट 7π/2, ठीक है। एंड इधर से माइनस ये आ गया, तो कॉस का ग्राफ, तो -1 देखना कितनी बार हो रहा है, सिर्फ एक एंड दो बार, तो इसके तो दो सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। अब sin x हाफ कब कब हो रहा है, तो ये दो बार हाफ,
ये कंप्लीट जाएगा और इसका आधा जाएगा, ये दो बार हाफ और इधर माइनस 90 डिग्री जा रहा है, उसमें तो हाफ नहीं आएगा, तो चार सॉल्यूशन इसके, तो इसके चार सॉल्यूशन, तो टोटल सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे इसके, सिक्स। बात खत्म, ठीक है, नोट करो ये फैक्टराइजेशन ध्यान से। ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। हाँ जी, जिनका हो जाए वो ये क्वेश्चन देखना। कहाँ साइन थीटा हाफ आया था, तो टू तो वैल्यू होती नहीं है कभी, ये होती है इसलिए इसको लिखा, जो होती नहीं उसको लिख ही नहीं सकते, उसके रेंज में लाई नहीं कर रहा ना, साइन थीटा होता है माइनस वन टू वन है तो वो कर ही नहीं सकते।
ये साइन में हो सकता कन्वर्ट, ये साइन में कन्वर्ट नहीं हो सकता. डोंट ट्राई टू डू द स्केरिंग. साइन टोटल साइन की फॉर्म है. अब आप देखो, एक साइन एक्स बना रहे हो और एक साइन टू एक्स बना रहे हो, वो गलत है. वहां से कुछ नहीं हो पाएगा, अप्रोच नहीं हो पाएगा. चले चलो अब देखो, करो करो करो, नोट कर लो. क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता, ऐसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के भी आ चुके हैं, या फिर ये किसी क्वेश्चन में सब पार्ट भी हो सकता है. कैसे भी हो सकता है. ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अभी मैंने तुम्हें क्लियरली बोला, क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मतलब वो किसी और क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना. तो सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें पता होनी चाहिए फिर इन दैट केस. ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है क्या आएगा क्या नहीं. किसके इसमें n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ना, अगर मान लो वो बोल रहा है कि माइनस पाई बाय 4 से लेके 7 पाई बाय 4 तक निकालने हैं, तो n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके आपको देखना पड़ेगा कि वो कहां से लेके कहां तक जा रहा है, या फिर sin x plus पाई बाय 4 का ग्राफ बनाओ. अब sin x का ग्राफ आता है तो प्लस पाई बाय 4 का मतलब क्या है, पीछे पाई बाय 4 की तरफ शिफ्ट करना, तो sin x plus पाई बाय 4 का ग्राफ बन सकता है, और वो देख लो 1/√2 कितनी बार आ रहा है.
कट कर रहा, बात करो, 1/√2 कितना होता है 0.707, तो वाई 0.7 पे ले जाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, देखो कितनी बार कट कर। दो तरीके हैं। हाँ जी ऑनलाइन चले? यस सर, यस सर। चलो ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, सीएनडी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सीएनडी फॉर्मूला अप्लाई करके क्या बन गया, यहां पे 2 साइन दोनों का एडिशन बाय 2 3x, कॉस दोनों का सब्ट्रैक्शन 4x डिवाइडेड बाय 2 2x। अगेन फर्क नहीं पड़ता, दिस माइनस दिस करो, दिस माइनस दिस करो, क्योंकि प्लस माइनस कॉस के अंदर फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब इधर ये आ गया 2 साइन दोनों का एडिशन बाय 2 3x, कॉस दोनों का सब्ट्रैक्शन 2x बाय 2x। अब इसको इधर ले आए तो माइनस दैट इज इक्वल टू 0, तो 2 साइन 3x कॉमन, cos 2x माइनस cos x दैट इज इक्वल टू 0। अब cos से माइनस cos जी लगा दो, राइट, तो दैट इज 2 साइन माइनस 2 साइन दिस प्लस दिस बाय 2, तो 3x बाय 2 साइन दिस माइनस दिस x बाय 2 इंटू 2 साइन 3x दैट इज इक्वल टू 0। अब तीन चीजों का प्रोडक्ट 0, क्योंकि ये तो माइनस 4 हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म में है ना ये, ये तो माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 क्रॉस मल्टीपल ऑफ वैसे 0 के नीचे जाके 0 हो जाएगा, तो क्या बना मेरा, आइदर साइन 3x इज 0 और साइन 3x बाय 2 इज 0 और साइन x बाय 2 इज 0। अच्छा अगर ये 0 हुआ तो 3x क्या आ जाएगा, n पाई, x क्या आ जाएगा, n पाई बाय 3। ये 0 हुआ तो 3x बाय 2 क्या आ जाएगा, n पाई, x क्या आ जाएगा 2n पाई बाय 3, और ये 0 हुआ तो x क्या आ जाएगा, x बाय 2 क्या आ जाएगा 2n पाई, तो x क्या आ जाएगा 4n पाई। क्लियर हुआ? अब आइदर दिस और दिस और दिस है, तीनों का प्रोडक्ट तो क्या है, तीनों में से कोई भी 0 हो जाएगा, तो यूनियन आएगा इन तीनों का। अब यार यूनियन के केस में एक चीज समझो, एक सेट के अंदर कोई रिपीटेड एलिमेंट आ रहा है, जैसे 1 2 एक सेट है, 2 4 सेट है, इनको यूनियन करोगे तो 2 को दो बार लिखोगे एक बार लिखोगे, एक ही बार, तो अगर मैं इनका यूनियन कर रहा हूं आई हैव टू मेक श्योर कि एक चीज एक से ज्यादा बार ना लिखी जाए, हाँ या ना। तो ध्यान से देखो, मैंने पहले इसको ऑब्जर्व किया, इसके अंदर 0 पुट किया, 0 1 पुट किया पाई बाय 3, फिर 2 पाई बाय 3, फिर 3 पाई बाय 3 पाई, फिर 4 पाई बाय 3, फिर 5 पाई बाय 3, फिर 6 पाई बाय 3 तो 2 पाई, फिर 7 पाई बाय 3, फिर 8 पाई बाय 3, फिर 9 पाई बाय 3 3 पाई, फिर 10 पाई बाय 3, फिर 11 पाई बाय 3, फिर एंड फॉर्म चलता रहेगा। ये आप 4 पाई तक जाना जरूरी था, इसलिए मैंने तभी जाके जो चीज रिकॉग्नाइज करानी वो होगा। अब देखो इसके अंदर 1 0 पुट करो, ये आ गया, यानी कि इसकी एक वैल्यू तो इसके अंदर आ गई। 1 पुट करो वो भी आ गया, 3 पुट करो 2 पाई, 2 पुट करके पहले 4 पाई बाय 3 आएगा ये वैल्यू, फिर 3 पुट करके 2 पाई आएगा, फिर आगे 4 पुट करेंगे ना तो 8 पाई बाय 3 ये आ गया, फिर 10 पाई बाय 3, 4 पाई, ये सारे आ गए, मतलब ये सारा का सारा ऑलरेडी इसके अंदर आ रहा है, तो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, तो इन दोनों का यूनियन में सिर्फ यही आएगा, हाँ या ना। ऑनलाइन क्लियर हुआ? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी पवन, रिपीट कर दो फिर से। पवन मैं ये बोल रहा हूँ कि n पाई बाय 3 को जब n की डिफरेंट वैल्यूज यूज की तो वो ये सारे के सारी वैल्यूज बन रही हैं। अब 2n पाई बाय 3 के अंदर जब मैंने डिफरेंट n की वैल्यूज पुट की वो आ रहा है इन्हीं में से, इसके अलावा कोई अलग वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज इसी को बिलोंग कर रही है फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। ओके सर, तो ये इसका सबसेट हो गया, तो ये भाई अगर इसका सबसेट है तो इनके यूनियन में सिर्फ मैं यही लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा। बात समझा? यस सर। हाँ जी बाकी सबको क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। राइट, अच्छा आप ये देखो जरा, 0 पुट करो तो ये भी आ रहा भाई, 1 पुट करो ये भी आ रहा भाई, इनफैक्ट 8 पाई भी आएगा, 12 पाई भी, सब आएंगे, यानी कि एक्चुअली में ये भी इसका सबसेट है, तो इन तीनों का यूनियन करके मेरा फाइनल आंसर जाएगा x belongs to
दैट्स इट, मैं फालतू का आंसर इंक्लूड नहीं करूंगा, दिस इज द ओनली आंसर। ऑनलाइन क्लियर हुआ पवन? सर जो लास्ट केस है साइन एक्स बाय टू इज इक्वल टू जीरो, उसमें एक्स बाय टू इज इक्वल टू एन पाई नहीं होएगा? ओ सॉरी, एक्स बाय टू इक्वल टू एन पाई होएगा, बिल्कुल। तो इधर टू एन पाई आएगा, ठीक है, एन को जीरो पुट किया तो जीरो आ गया, वन पुट किया तो टू पाई आ गया, तो ये वाला आ गया, तो ये तीन आ गया अभी, और ऐसे रिपीट करते रहेंगे, बट स्टिल आ भी रहा है उसका सबसेट, हाँ गलत ही थी बट स्टिल उसका सबसेट है, तो तीनों का यूनियन तो अभी भी यही है। पवन ठीक है? यस सर। ठीक अब बोलो। अच्छा, रिकॉग्नाइज कैसे करना? ये नोट करो, मैं बताता हूँ स्टेप पे। इधर तो आ जाएगा, इधर cos 2x equal to cos x आएगा, तो वो छोड़ना है, इधर डायरेक्टली इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दे 2 cos x minus 1, तो यू विल गेट अ इक्वेशन इन cos x, तो वहां से भी यही आंसर आएगा, आंसर वही आएंगे एट द एंड, आंसर अलग नहीं आएंगे। करने के बहुत सारे तरीके हैं इसको अप्रोच करने के, लेकिन फाइनल आंसर जो बनेगा ना पंजा, वो एकदम सेम बनेगा, वो सही है जो तू बोल रहा है, वो कर सकता है, वो गलत नहीं है, ठीक है, बट अगेन फाइनल आंसर यही बनेगा। नहीं मैं वही बता रहा हूं सुखी को, मैं बताता हूं। हाँ, तो क्या चीज थी कि अब जैसे 2 एंड 6 है, तो 2 एंड 6 का एचसीएफ क्या आ रहा है? 2, तो उन दोनों नंबर में से एक आ गया, तो इसका मतलब ये है कि 2 के जितने भी फैक्टर्स होंगे एंड 6 के जितने भी फैक्टर्स होंगे, ये दोनों के दोनों 2 के अंदर कवर अप हो जाएंगे, वो 2 के फैक्टर्स के अंदर आ जाएंगे, और 2 तो वो एक नंबर खुद ही है, तो यस इन दैट केस मैं ये बोलूंगा 6 सारा का सारा 2 के अंदर कवर अप हो जाएगा, 6 के सारे फैक्टर्स 2 के अंदर कवर अप हो जाएंगे, वही चीज इधर हुई। अब यहां पे मेरे को एक्चुअली में देखना है कि इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहा है, वो मेरे को पता दिख रहा है कि पाई बाय 3 क्या आ रहा है, 2 पाई बाय 3, इनका एचसीएफ 2 पाई बाय 3 आ रहा है, देखो ना 2 पाई बाय 3 आ रहा है, पाई बाय नहीं पाई बाय 3 सॉरी पाई बाय 3 पाई बाय 3 आ रहा है, तो पहले का तो पाई बाय 3 आ गया, ठीक है, मतलब तीनों का पाई बाय 3 आ गया, तो पाई बाय 3 के मल्टीपल तो है ही है ये वाला, अब ये भी पाई बाय 3 का मल्टीपल है, देखो पाई बाय 3 * 2n, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, पाई बाय 3 * 6n, तो तीनों के तीनों पाई बाय 3 के अंडर आ रहे हैं, और पाई बाय 3 खुद फर्स्ट वाला है, तो ये सारा का सारा फर्स्ट वाले के अंडर आ जाएगा। अब एक चीज याद रखो, फ्रैक्शन के केस में एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे लेना, जैसे यहां पे मेरे को एक चीज दिखाई दी कि एन पाई तीनों में आ रहा है, उसको अलग करके लिख दिया, तो क्या बचा इधर 2/3 and 2। अब इन तीनों का बेसिकली फ्रैक्शन के केस में एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे लेना, तो इनका एलसीएम होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एंड इनका एचसीएफ होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब इनका एलसीएम क्या जाएगा, ऊपर 1, 2, 2 का एलसीएम लो, 2, 3, 3, 1 का एचसीएफ लो, 1, तो 2 इज देयर एलसीएम, ठीक है। अच्छा, अगर इनका एचसीएफ लेना है ऊपर 1, 2, 2 का एचसीएफ लेना है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, एंड डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना 3, 3, 1 का 3, तो 1/3, तो वही बोला था 1/3 आ रहा है, और साथ में एनपाई तो जो कॉमन लिया था तीनों का वो तो आएगा, यानी कि क्या आ गया एनपाई बाय 3, तो वो यही आ गया, तो यस ये तीनों के तीनों इसी के अंदर कवर अप हो जाए, बात खत्म। अब क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है अभी? यस सर। राइट, चलो आ जाओ, हाँ बात खत्म।
मैंने ऑब्जर्व किया वो एच एम आर, मेरी ऑब्जर्वेशन थी, फिर उसके बाद फिर मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट इज बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन को यूज करने का मतलब यह है, हमें मालूम है भैया साइन एक्स की बाउंड्री क्या है, माइनस वन एंड वन, कोस एक्स की माइनस वन एंड वन, टैन की है ही नहीं माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, कॉट की है ही नहीं, सिकेंट की माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन, यूनियन वन टू इनफिनिटी, तो अब दो बाउंड्रीज डिफाइंड है माइनस वन एंड वन, सिमिलरली कोसेकेंड की माइनस वन एंड वन, तो इनको यूज करना, ठीक है। अब कैसे, देखो मान लो ऐसा आ गया बाउंड्री, बिल्कुल मान लो ये आ गया कोसेक्स, कोसेक्स बाय टू प्लस कोस एक्स बाय थ्री दैट इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। अब मेरे को ये चीज बताओ, x जो भी इसके अंदर इनपुट जाएगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, मैक्सिमम, अरे यार मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, इसकी इसकी, तो तीनों की लेफ्ट हैंड साइड में मैक्सिमम वैल्यू को ऐड करके थ्री जा सकता है, इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता, तो वही है थ्री, यानी कि इन दैट केस तीनों को अपना अपना मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या आएगा, अगर इस चीज को ट्रू होना है द ओनली केस पॉसिबल इज कि कॉस एक्स भी वन हो जाए, कॉस एक्स बाय टू भी वन हो जाए, cos x by 3 भी 1 हो जाए, इसके अलावा there is no other case, clear हुआ? तो 1 कब होता है 2n pi पे, right? तो x क्या आ गया 2n pi, x by 2 क्या आ गया 2n pi, x by 3 क्या आ गया 2n pi, तो x आ गया 6n pi, x आ गया 4n pi, x आ गया 2n pi। अब इन तीनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन या यूनियन, यूनियन, एकदम गलत, मेरे को ये भी वन चाहिए एंड ये भी वन चाहिए एंड ये भी वन चाहिए, एंड आ गया, तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो अब इन तीनों का इंटरसेक्शन करना है, अब कॉमन पार्ट लेना, अब वो नहीं लेना, अब कॉमन पार्ट में क्या आता है एलसीएम, कॉमन पार्ट क्या होता है जो दोनों में आए, और दोनों में आने का मतलब जो है एलसीएम, ठीक है। अब देखो जरा, जीरो पुट किया जीरो, वन पुट किया टू पाए, फिर फोर पाए, फिर सिक्स पाए, फिर एट पाए, फिर टेन पाए, फिर ट्वेल्व पाए एंड सो ऑन, ये फर्स्ट वाले का आ गया। सेकंड इसका जीरो पुट किया तो यही आ गया, वन पुट करके फोर पाए, फिर एट पाए, फिर ट्वेल्व पाए एंड सो ऑन, और इधर जीरो सिक्स पाए, तो अभी तक कुछ कॉमन नहीं आया, आगे ट्वेल्व तो ये आ गया, 12 आ गया, तो 0, 12 आगे 24 आ जाएगा एंड सो ऑन चल चलता रहेगा, यानी कि ये वाले जो चीज है इसी के मल्टीपल हमारे आ जाएंगे, क्योंकि इन तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो यही आ जाएगा। और देखो अब 2 का 4 का और 6 का, नहीं सॉरी 12 आ रहा है, ये नहीं आ जाएगा 12 आ जाएगा, अब 2, 4, 6 का एलसीएम क्या होता है 12, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 12 एन पाई, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू दिस, सॉरी उल्टा लिख दिया, x belongs to this, that is the final answer, बात खत्म। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes sir. देखो आगे आ रहा है, देखो इनइक्वालिटी, ठीक है। अब यार जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, मान लो इसको सॉल्व करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाना है एक पीरियड के अंदर, क्योंकि वही चीज रिपीट होगी,
राइट। अब मैंने बनाया इसका ग्राफ, बनाया इसका ग्राफ y इक्वल टू हाफ। अब मेरे को क्या चाहिए, साइन एक्स की आउटपुट ज्यादा चाहिए यानी कि उसका हाइट ज्यादा चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे वो रिकॉग्नाइज करना है पार्ट जहां पे साइन एक्स की हाइट जा रही है ज्यादा, वो आ रहा है ये वाला पार्ट, क्योंकि इस सारे के सारे पार्ट में एक्चुअली में साइन एक्स जो है वो हाफ से बड़ा है। हाँ है ना, तो और तो मेरे को रिकॉग्नाइज करना है इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या और एंड पॉइंट क्या है, तो जहां पे एग्जैक्टली हाफ होगा तो ये आ गया पाई बाय सिक्स एंड ये आ गया, तो मेरा आंसर क्या आएगा पाई बाय सिक्स से लेके फाइव बाय सिक्स सारा का सारा इंटरवल, तो एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय सिक्स से लेके फाइव पाई बाय सिक्स। बट एक चीज रिकॉग्नाइज करो, ये जो आंसर आया ये तो सिर्फ जीरो से टू पाई के बीच बीच में आया, ऐसे ही ये सारा का सारा चीज रिपीट करेगी टू पाई के बाद, आगे फिर टू पाई के बाद रिपीट करेगी, फिर टू पाई के बाद पीछे भी आगे भी, राइट। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखो ऐसे जब आएगा तो ये चीज एग्जैक्टली इसके अंदर टू पाई ऐड कर दो ये आ जाएगा, इसके अंदर टू पाई ऐड कर दो ये आ जाएगा, फिर इसके अंदर टू पाई ऐड कर दो अगला वाला आ जाएगा, इसके अंदर टू पाई ऐड कर दो अगला वाला आ जाएगा, तो हर चीज के अंदर टू पाई ऐड करते रहो तो अगला वाला आता रहेगा। हाँ है ना, तो इसका मतलब ये कि इन जनरल अगर सोल्यूशन, ये तो एक पीरियड का सोल्यूशन आ गया, इन जनरल सोल्यूशन चाहिए तो इसके अंदर भी मेरे को 2n पाई ऐड करना पड़ेगा, इसके अंदर भी 2n पाई ऐड करना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर क्या है x belongs to पाई बाय 6 प्लस 2n पाई से लेके 5 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई, ये आंसर आएगा। अब इसके अंदर n को 0 पुट करो, n को 0 पुट करके पाई बाय 6, 0 पुट करके 5 पाई बाय 6, तो अपने आप पहले वाला बन गया। 1 पुट करो, 1 पुट करके पाई बाय 6 प्लस 2 पाई वो आ गया ये वाला, 5 बाय 6 के अंदर 2 पाई ऐड करके ये वाला, यहां से लेके यहां तक 1 पुट करके 5 पाई बाय 6 प्लस 2 पाई तो यहां तक, तो ये वाला आ गया। ऐसे ही n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आगे आगे वाला इंटरवल आता रहेगा। क्लियर हुआ ऑनलाइन? क्लियर हुआ इनइक्वालिटी? राइट, ये नोट करो। हाँ हाँ, ये n की नेगेटिव वैल्यूज ले ले। ये करना जरा इसके बाद लॉक के लगने, मैं बताता हूं। लॉक की क्या प्रॉपर्टी होती है, इनइक्वालिटी रिमेन सेम अगर ये बेस जो है वो वन से बड़ा है। तो अब याद करो, अगर यहां पे इक्वालिटी होती तो लॉग टू साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो क्या होता 2 की पावर माइनस वन इक्वल टू साइन एक्स। हाँ ना, तो अब अगर इनइक्वालिटी है ये वाली तो इनइक्वालिटी भी सेम रहेगी। बात करो, मैंने ये बोला ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया कि साइन एक्स शुड बी लेस देन एन ग्रेटर देन, क्योंकि लॉग के अंदर का इनपुट क्या होता है पॉजिटिव, तो लॉग एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन 0, तो ये मेरी फाइनल बन। क्लियर हुआ? श्योर, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम ठीक है। अच्छा अब ये देखो इसका आंसर, तो हाफ से छोटा छोटा एंड जीरो से बड़ा बड़ा, तो इन दोनों के बीच बीच में आना चाहिए, तो एक पार्ट आ गया ये वाला और एक पार्ट आ गया ये वाला, तो ये जा रहा है जीरो से पाई बाय सिक्स और ये जा रहा है फाइव पाई बाय सिक्स से टू पाई, सॉरी पाई से पाए। अब इक्वालिटी है नहीं तो दोनों पे इक्वालिटी नहीं आएगी, तो x बिलोंग्स टू पाई जीरो से लेके पाई बाय सिक्स यूनियन फाइव पाई बाय सिक्स से लेके पाई, और जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो चारों के अंदर क्या ऐड करना है टू एन पाई। बात खत्म, दैट इज द फाइनल आंसर। हां जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर।